क्या आपको पता है वो कौन सा पहाड़ है जहाँ से श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगलने के लिए छलांग लगाया था। जय सियाराम दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ अंजनाद्रि पर्वत के बारे में, जिसको श्री हनुमान जी का जन्म स्थान कहा जाता है। वर्तमान में ये जगह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और यहाँ का जो तुंगभद्रा नदी है ठीक उसके किनारे आपको अंजनाद्रि पर्वत के दर्शन होते हैं। और इस अंजनाद्रि पर्वत के ऊपर आपको हनुमान जी का यंत्र धारक मंदिर देखने को मिलता है। वैसे तो हमारे भारत में ऐसे काफ़ी सारे जगहें हैं जिनको श्री हनुमान जी का जन्म स्थान दावा किया जाता है। अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो फिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित पवित्र पर्वत स्थली में अंजनाद्रि पर्वत को भी हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। अगर हम महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर की बात करें या फिर हम झारखंड के गुमला जिले में स्थित अंजन नाम के एक गाँव की बात करें, इन सारी जगहों को हनुमान जी का जन्म स्थान दावा किया जाता है। मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह के बारे में मान्यता है तो वो ये जगह है, हम्पी में स्थित अंजनाद्रि पर्वत। कहा जाता है रामायण से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा किस्सा यहाँ पर हुआ था। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इस जगह पर आपको प्राचीन किष्किंधा नगरी के दर्शन होते हैं, जिसको हनुमान जी का कार्यस्थल माना जाता है। जैसे यहाँ पर एक ऋषमुख नाम का पर्वत है जहाँ पर श्री राम पहली बार अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे। मुख्य सड़क से चलते हुए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको इस पर्वत में चढ़ने का रास्ता मिलता है। रास्ता के दोनों तरफ काफ़ी सारा दुकान आपको देखने को मिलता है, जहां पर आप सनातन धर्म से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा चीज़ खरीद सकते हो। और सामने खड़े आप इस विशाल आकृति अंजनाद्रि पर्वत का दर्शन कर सकते हो, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। काफ़ी सारा रास्ता चलते चलते आखिरकार हम इस पर्वत पर चढ़ने के लिए जो मुख्य द्वार है, जो प्रमुख दरवाज़ा है सामने, यहाँ तक आ चुके हैं। सच बताऊँ तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं हनुमान जी के जन्म स्थान के इतने करीब तक पहुँच चुका हूँ। ये तो श्री हनुमान जी के कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। उनके कृपा का अनुभव हर क्षण हर पल हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु एक साथ आपको दर्शन करते हुए दिख रहे हैं। अंजनाद्रि पर्वत के ऊपर कुछ देर चढ़ते ही हमें इस खूबसूरत से नज़ारे का दर्शन होता है। इस पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए आपको कुल मिलाकर 575 सीढ़ियों को चढ़ते हुए जाना पड़ेगा। यहां तक पहुंचते ही मेरे को ये एहसास होता है मैंने तो बस 75 सीढ़ियां चढ़ा है, अभी तो 500 सीढ़ियां और बाकी है। कुछ इस प्रकार के भजन आपको सुनने को मिलते हैं जब आप इस ऊंचे से पहाड़ के ऊपर से सीढ़ियां चढ़ते हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें मंदिर में चल रहे रामायण के नित्य पाठ सुनने को मिलते हैं। यहां पर लोगों में श्री हनुमान जी के प्रति इतना ज्यादा श्रद्धा है कि 1500 मंदिर में से 380 मंदिर हम्पी में हनुमान जी के हैं। तो आखिरकार 575 सीढ़ी चढ़ने के बाद आखिरकार हम अंजनाद्रि पर्वत के ऊपर पहुंच गए। और पर्वत के शिखर पर पहुंचते ही हमें इस अद्भुत मंदिर का दर्शन होता है। इसी मंदिर परिसर में हमें एक वैदिक पाठशाला देखने को मिलता है जहां पर संस्कृत का अध्ययन होता है। यहां पर पास में ही अंजना देवी का मंदिर भी है, जिनके नाम अनुसार इस पर्वत का नाम पड़ा अंजनाद्रि पर्वत। अभी हम जा रहे हैं बाली सुग्रीव गुफा का दर्शन करने। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध हुआ था और जहाँ पर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को मदद किया था बाली को हराने में। और इस जगह को प्राचीन किष्किंधा नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस किष्किंधा नगरी में ही हनुमान जी पहली बार सुग्रीव से मिले थे। और इस जगह पे आते ही आपको लगेगा कि आप रामायण काल में आ गए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारा रामायण के समय काल का चीज़ें देखने को मिलता है। इस जगह पर आपको काफ़ी सारे मूर्तियाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे आप हनुमान जी का दर्शन कर सकते हो और सामने लक्ष्मण जी, श्री राम और जामुवन जी का भी मूर्ति है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस तरह का स्पिरिचुअल ब्लॉग देखना पसंद है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय सियाराम और जय बजरंगबली लिखना मत भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह के स्पिरिचुअल ब्लॉग्स देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय सियाराम, जय बजरंगबली।